आया राम गया राम की कहावत तो आपने सुनी होगी और एक बार फिर आज ये कहावत चरितार्थ हुई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में आज एक नया नाम जुड़ा है सुर्खी से, बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू का। पारुल साहू ने पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। कांग्रेस जहां इसे पारुल साहू की घर वापसी करार दे रही है तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है, इसलिए वो आयातित उम्मीदवारें ला रही है। पारुल साहू ने थामा कांग्रेस का हाथ। पारुल को कांग्रेस में लेकर आए नाथ। सुर्खी के संग्राम में पारुल साहू दिखाएंगी दम। बीजेपी बोली, आयतित के सहारे कांग्रेस लड़ेगी जंग। उपचुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में आया राम गया राम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुर्खी की पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पारुल ने कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उपचुनाव से पहले पारुल का कांग्रेस में आना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुर्खी से बीजेपी की टिकट से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का चुनाव लड़ना लगभग तय है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पार्टी पारुल साहू को सुर्खी से उम्मीदवार बना सकती है। पारुल कांग्रेस में आने को घर वापसी बता रही है। विधानसभा क्षेत्र की जनता यह चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूं और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इतने कहूंगी और मेरी ये घर वापसी है और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूं और इसकी मुझे बहुत खुशी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पारुल की कांग्रेस वापसी पर स्वागत किया तो छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने पारुल के बहाने सिंधिया पर जमकर तंज कसा। तो मैं पारुल साहू जी का स्वागत करता हूं वापस कांग्रेस परिवार में। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी रहे, आज वो भी होते तो स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, पर उन्होंने भी कांग्रेस की नींव बना के रखी थी और उस कांग्रेस की नींव का एक फल आज आपके सामने है। पारुल साहू थोड़ी भड़क गई थी, बहक गई थी पिछले 5 सालों में, अब वो घर वापसी कर रही है। अगर सिंधिया जी 70 साल के बाद घर वापसी कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं। पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा। मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वो आयतित के भरोसे ही चल रही है। देखो, कांग्रेस में दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। वो जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो, बिल्कुल यहाँ से बमोरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहाँ तक बांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। चुनाव है, चुनाव में आना जाना होता है और अब वो गई है, पर इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव हम लोग जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास खुद के पास तो प्रत्याशी है नहीं है, तो वो तो जो भी लेगी वो भारतीय जनता पार्टी में से ही तलाशेगी या और कहीं से तलाशेगी। पारुल साहू 2013 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत को परास्त कर चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि पारुल के सहारे सुर्खी के संग्राम में वो विजय होगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुर्खी में गोविंद के माथे पर जीत का तिलक लगेगा। बासु चौरे, बंसल न्यूज़।